जिस तरह से फ्रूट हमारे बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, हमारे बॉडी को फिट बनाता है, उसी तरह से हमारे स्किन को भी फ्रूट की बहुत ज़रूरत होती है। आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं, जैसे इसके पहले मैं एक वीडियो लेके आई थी जिसमें लेमन से मैंने लेमन की रेमेडी आपको दिखाई थी, तो आप जो भी फ्रूट खा रहे हैं उसका अगर जो भी मतलब उसमें से निकल रहा है जिसको हम फेंक देते हैं, जैसे लेमन के छिलके से मैंने किया था, वैसे बनाना का छिलका और एप्पल अगर खा रहे हैं तो उसमें अगर कुछ भी बच गया है उसको अपने फेस पे लगा लीजिए, कोई भी पैक लगा लीजिए, तो वो ज़रूर फ़ायदेमंद करता है, क्योंकि फ्रूट में कुछ भी ख़राब तो होता नहीं है, वो जो भी होता है वो आपको सूट करने के हिसाब से ही अकॉर्डिंग ही होता है उसमें, क्योंकि सब नेचुरल है। नेचर की जो भी चीज़ें हैं वो हमारी बॉडी को कहीं से भी हमें हार्म नहीं पहुँचाती, ये तो क्लियर है। तो आज मैं जो रेमेडी आपके लिए लेके आई हूँ, आपको अपनी स्किन की डर्टीनेस को दूर करना है, अपने स्किन को रेस्ट देना है, अपने स्किन को नरिश देना है, अच्छा बनाना है, उसको टाइटनिंग देना है, तो प्लीज़ इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखें। बहुत छोटी वीडियो है, 5 मिनट की भी नहीं है, और अगर आप उसको यूज करते हैं, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मुझे बताएं, मैं ऐसे और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगी। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी स्टेप है। तो चलिए, मैं हूँ नीतू सिंह और आप देख रहे हैं नीतू लाइव के, तो चलिए वीडियो में चलते हैं आगे। तो गाइज, इस रेमेडी को बनाने के लिए, पैक को बनाने के लिए, सबसे पहले आपको केले का छिलका लेना है, जो केला बहुत ही पका हुआ हो, एकदम टाइट उसके छिलके हों, वो नहीं चलेगा, जो थोड़ा सा पिलपिला हो जाता है उस वाले छिलके को आपको लेना है, और अंदर की साइड पे थोड़ी सी कॉफ़ी पाउडर को छिड़कना है, और उसमें एक पिंच हल्दी डालना है आपको, टर्मेरिक डालना है, और उसको अच्छे से उस पर जमा देना है स्पून से दबा दबा के, कि वो सारा उसके अंदर चला जाए, उसमें मिक्स हो जाए, और 1 से 2 मिनट आपको ये काम करना है, और उसके बाद ये आपका तैयार हो गया पैक, और इसको हल्के हाथों से रब करते हुए आपको पूरे फेस पे लगाना है, ओवरऑल सारे फेस पे हल्के हाथों से लगाना है आपको, सब जगह मसाज करते हुए लगा लीजिए अच्छे से, और तब तक मतलब रब करते रहिए जब तक कि वो केले का छिलका बिल्कुल पिलपिला होकर टूटने ना लगे, जिससे कि उसके साथ उसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो सब आपके फेस पे आ जाएं और आपके फेस पे ग्लो आए, उसका जो भी फ़ायदा आपको मिलना है वो मिले। एक्चुअली बहुत धीरे धीरे आपको ये रब करना है हल्के हाथों से, और नेक को बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि नेक भी हमारे फेस का ही हिस्सा होता है, हर जगह लगाना है धीरे धीरे। और इसमें जो टर्मेरिक है उसके अलग फ़ायदे हैं, जो कॉफ़ी है उसके अलग फ़ायदे हैं, मैंने आगे सब कुछ बताया है आपको, और इसको आपको 10 मिनट रखना है, और उसके बाद देखिए ठंडे पानी से धुल लेना है, और देखिए फेस पे कितना ग्लो आ गया, स्किन मेरी बिल्कुल टाइट लग रही है, टाइटनिंग आ जाती है इसको लगाने के बाद, और अभी मैं इसके सारे बेनिफिट्स आपको बताती हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस कि फेस पे कितना ग्लो आ गया है मेरे, थोड़ा बहुत मेकअप मैंने तो गाइस आप देख सकते हैं इस फेस रेमेडी को लगाते ही मेरा फेस कितना अच्छा हो गया है। हालांकि मैंने मेकअप लगाया है, पर बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं लगाया, मैंने आपको पानी से धुलने के बाद भी दिखाया था स्किन बहुत ग्लो कर रही थी, और वो इसलिए कि जो बनाना पील है उसमें B6 और B12 पाया जाता है, जिसमें पोटेशियम मैग्नीशियम होता है, जो आपकी स्किन को रिपेयर करता है, रिंकल्स को हटाता है, आपके स्किन पर ग्लो लाता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी होता है इसमें, फैटी एसिड होता है जो आपके स्किन को अंदर जाकर पोर्स की सफाई करते हैं और आपके स्किन को रिपेयर करने का काम करते हैं। तो हमेशा ज़रूरी नहीं कि हम बहुत प्रोडक्ट्स केमिकल्स लगाएं अपने फेस पे और तभी हमारा फेस अच्छा हो, क्योंकि अगर हम उसका यूज करते हैं तो जिस चीज़ के लिए हम उसको यूज करते हैं वही चीज़ फिर हमें हो जाती है, क्योंकि केमिकल्स तो कहीं ना कहीं से फाइन लाइंस क्रिएट करते ही हैं, आपके स्किन पर रिंकल्स भी लाते हैं, तो आपकी स्किन को भी जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे हमारी स्किन को भी ब्रीथ करना ज़रूरी होता है, जिसके लिए हमारे पोर्स की सफाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कॉफ़ी जो दूसरा है, जो उस पर मैंने कॉफ़ी का छिड़काव किया था, तो कॉफ़ी पाउडर जो होता है वो आपके स्किन को टाइटनिंग देता है, जैसे रिंकल्स अगर आपके फेस पे आ रहे हैं, बहुत लोगों के यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है तो रिंकल्स आ रहे हैं, उनको वो टाइट करता है, दूर करता है, ग्लो लाता है, आपके स्किन को नरिश देता है, और पोर्स में जाके पोर्स की सफाई करता है। तो और तीसरा हल्दी, हल्दी आप जानते ही हैं टर्मेरिक बहुत ही एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटीबायोटिक होता है, जिसका यूज़ दवाओं में किया जाता है, तो वो भी हमारे स्किन को नरिश देता है, हमारे स्किन को रिपेयर करता है, जितनी डर्टनेस होती है हमारे स्किन के पोर्स में छुपी होती है उन सबको हल्दी दूर भगाता है।
तो अगर आप 15 दिन में, हफ्ते में एक दिन में अगर इसका यूज कर रहे हैं, मुश्किल से 5-10-15 मिनट में आपका सब हो जाता है और वही ग्लो, वही चीज़ें आ जाती हैं। कोई भी फ्रूट अगर आप खा रहे हैं, उसके पील को आप ऐसे अगर फेस पे अपने मसाज की तरह यूज करते हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद होता है हमेशा। तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा अगर आपने यूज किया, आपको क्या बेनिफिट हुआ। और एक दिन लगाने से नहीं होगा, आपको इसको थोड़े दिन तक लगातार यूज करना पड़ेगा, फिर आपको दिखेगा कि आपके चेहरे पे खुद ही आपको पता चल जाएगा कि ग्लो आ रहा है और अच्छा लग रहा है आपका फेस, अंदर से आपका स्किन रिपेयर हो रहा है। तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो शेयर करें, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी जो भी फ्रेंड्स हैं जो पार्लर नहीं जा पाती हैं टाइम की वजह से, उनको टाइम नहीं मिलता है, तो प्लीज़ उनको मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें।